नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, लेकिन चीन की सीमा से सटे पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि कोरोना वायरस का कोई खौफ नहीं है। इसलिए 14 अगस्त को रात 12 बजे से ही पूरा पाकिस्तान आजादी के जश्न में डूबा रहा। जमकर आतिशबाजियां की गई और सड़कों पर धुआंधार गाड़ियां दौड़ती रही। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ था। इस आजादी के बाद ही दो देश अस्तित्व में आए, एक था भारत और दूसरा भारत से ही अलग हुआ पाकिस्तान। भारत में तो 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया जाता है। यही वजह है कि शुक्रवार को पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक तमाम शहर रोशनी की चकाचौंध से नहाए नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल जश्न की इन तस्वीरों को देखकर आप सोच सकते हैं कि कोरोना के माहौल में पाकिस्तान किस कदर बेपरवाह होकर जश्न में डूबा हुआ है। भारत से एक दिन पहले आजादी का जश्न क्यों? 15 अगस्त 1947, यही वो दिन था जब अंग्रेजों की गुलामी से भारत आजाद हुआ। टू नेशन थ्योरी की वजह से दुनिया के नक्शे पर दो देश उभर कर सामने आए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। दोनों देश एक साथ एक ही दिन आजाद हुए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान एक दिन पहले ही आजादी दिवस मनाता है, जबकि भारत में 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता कानून के प्रभाव में आने के बाद भारत को सारी शक्ति वापस लौटा दी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ही उसकी शक्ति ट्रांसफर कर दी थी, ताकि 15 अगस्त के दिन पाकिस्तान के आला अधिकारी नई दिल्ली आ सके और भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हो सके। माउंटबेटन ने 15 अगस्त के दिन ही 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने का फैसला लिया था। इसके अलावा पाकिस्तान को 14 अगस्त के दिन आज़ादी मिलने के पीछे एक और कारण यह भी था कि उस दिन रमजान का 27वां दिन था, जो कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक काफ़ी पाक दिन माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता कानून पर 15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में भारत के समय के मुताबिक 00:00 बजे हस्ताक्षर किए गए थे। पाकिस्तान का समय भारत के समय से 30 मिनट यानी आधा घंटे पहले, जिसके मुताबिक जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो उस समय रात के 23:30 हो रहे थे। इसलिए पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त के दिन मनाया जाता है और भारत का 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है।